यहाँ पर देखो भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। अरे रे 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 रे, यहाँ पर देखो एक ट्रक लोडक रखा है ऐसे। और रिसु, रिसु ने मुझे प्रणाम किया, उसके बाद गायब हो गया, मुझे देख के सर मारा है ना। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में श्रीनगर गढ़वाल से। फाइनली आज मेरी तैयारी है यहाँ से देहरादून निकलने की, और बहुत टाइम के बाद मैं रिसु और आरब से भी मिलूंगा। हम लोग अभी यहाँ छत में आ रखे हैं। ये है श्रीनगर का ढांग वाला एरिया, कॉलेज के ज़्यादातर बच्चे इसी जगह रहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे नवीन भी है, प्रदीप भी है, और हो सकता है आज प्रदीप भी मेरे साथ आए देहरादून। हम लोग अभी यहाँ ऊपर छत में आए हैं, इतनी तेज धूप हो रही है यहाँ पर 5 मिनट नहीं रह पाएंगे। और सामने देखो एक प्यारा सा पक्षी है, पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा पक्षी। कौन सा रे वो? ये किंग फिशर है। किंग फिशर? किंग फिशर वाला पक्षी है ये। अब यहाँ पर छत में देखो बहुत सारी छेमी यानी बीन्स लगी हुई है, देखो पूरी हर जगह। इनके मकान मालिक ने बोला अभी अवल निकाल देना। क्यों नहीं निकाल रहे भाई? खाते ही नहीं है इसको कोई। तभी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, देखो हर जगह बीन्स ही बीन्स दिखाई दे रही है। हम लोग अभी छत में गए थे वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि यहाँ नीचे रूम में ना स्पीड ही नहीं आ रही थी, तो छत में मुश्किल से 10 मिनट में ही अपलोड हो गई। नवीन की यहाँ पे फोटो खींचनी है। अरे यहाँ पे बैठ, यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कितने अच्छे फूल हैं। बैठ बैठ। दिन के खाने का टाइम भी हो गया है, फटाफट खाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं देहरादून के लिए। और खाने में देखो मस्त राजमा चावल बना हुआ है। चलो तब ठीक है। दिन के 2 बज गए हैं अभी, और हम लोग भी निकल गए हैं श्रीनगर से देहरादून के लिए। मेरे साथ प्रदीप भी है, और यहाँ से ऋषिकेश दिखा रहा है 105 किलोमीटर। ये है जी कीर्ति नगर का पुल, और इसके नीचे बहती है अलकनंदा नदी। ठीक अभी तक हम लोग थे पौड़ी गढ़वाल में, जैसे ये पुल क्रॉस किया हम लोगों ने, तो हम लोग पहुँच गए हैं टिहरी गढ़वाल में। सच बोलूं तो अभी इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, रोड भी धूप की वजह से गर्म हो गई है, एकदम गर्म हवा चल रही है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वहां तो और ज़्यादा गर्मी रहेगी। श्रीनगर से आगे एक जगह पड़ती है मुल्या गांव, और उससे भी थोड़ा सा आगे नदी पार मुझे कुछ घर दिखाई दिए जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठीक यहाँ नीचे अलकनंदा नदी है, और सामने वहाँ पर देखो 2-4 पठाली वाले घर हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, और साथ में एक मंदिर भी है। और यहाँ पर हम इसलिए रुके हैं, जो मेरी बाइक का ये फुट रेस्ट वाला है ये टूट गया था घर में। अब लंबा सफ़र है तो उसमें पैर रखने के लिए अच्छी जगह तो चाहिए ही। देखते हैं, काम चलाओ तो अभी कर दिया है, उसके बाद देहरादून में उसको ठीक करवाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर हमने फंसा दिया है, तो मतलब हल्का अगर इसमें पैर रखेंगे तो काम चल जाएगा। हर हर गंगे जय हो। हर हर गंगे। अभी हम लोग देवप्रयाग यानी संगम नगरी पहुंच गए हैं, और जब भी यहां से गुजरते हैं तो यहां पे रुकने का मन करता ही है। ये वाली नदी है भागीरथी, और जो उधर से आ रही है वो है अलकनंदा, और बहुत लोग अभी वहां पे स्नान कर रहे हैं। यहां से ठीक ऊपर देखो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। जय भोलेनाथ। यहाँ पर देखो भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, और यहाँ सामने वाले उस पहाड़ी पे मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ पे जाम लगा हुआ है। चलिए जी, फाइनली जाम खुल गया है। यहाँ ऊपर की साइड से कुछ काम लगा हुआ है, वो देखो कितने सारे पत्थर आ रखे हैं ऊपर से। यहाँ इधर की साइड भी देखो लंबा जाम लगा हुआ है। फिर से जाम। ये जगह है तीन धारा, और जब यात्रा खुलती है ना तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी बसें रहती हैं वो यहाँ पर रुकती हैं खाना खाने के लिए।
कभी कभी चढ़ाई पे ऐसे ट्रक फंस जाते हैं, मतलब चढ़ ही नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर भी एक ट्रक की ऐसी हालत हो रखी है। अरे 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 अरे, अरे यहाँ पर देखो एक ट्रक लुढ़क रखा है, क्या ही बोलें। कभी कभी ऐसे हादसे भी हो जाते हैं कॉर्नर पे, मतलब अगर उसमें लोड रहा होगा तो पलट गया। 4 बजने वाले हैं, हम लोग ब्यासी मार्केट पहुँच गए हैं और यहाँ से अब ऋषिकेश है 30 किलोमीटर और। और मेरे बाइक पे देखो हवा के साथ साथ एक पत्ता चिपक रखा है। ब्यासी पुल पहुंच गए हैं और यहाँ पर मैंने जितनी बार भी देखा खूब सारे रील बनाने वाले रहते हैं, लेकिन आज कोई भी नहीं है। हो सकता है शाम के टाइम पे आते होंगे। ऋषिकेश अभी हमने क्रॉस कर लिया है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो कहीं पे थोड़ा सा जूस वगैरह पी लेते हैं, 2 गिलास। ऋषिकेश योग नगरी के नाम से जाना जाता है, साथ में अध्यात्म के लिए भी, और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं। अभी गन्ने का जूस पीकर जान में जान आई, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। ऋषिकेश और देहरादून के बीच हाईवे एकदम बढ़िया है, तो इस बीच टाइम ही नहीं लगता है कि कब ऋषिकेश से देहरादून पहुँच गए। घर से अभी मैं 287 किलोमीटर आ गया हूँ, इसमें थोड़ा सा कल शाम को श्रीनगर में भी घूमा था। नहीं तो हमारे गांव से देहरादून अप्रॉक्स 250 किलोमीटर के आसपास है। हेलो, अरे सीधे अंदर, प्रणाम। आरु, चलिए जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून में रिसु इनके यहाँ। रिसु गायब हो गया, कैसे हो रिसु? हाँ कैसे हो आप? ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया रिसु ने मुझे प्रणाम किया, उसके बाद गायब हो गया। मुझे देख के शर्मा रहा है ना? शर्म लगती मेरे को देख के? क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे रिसु का दोस्त भी आ रखा है, क्या नाम है आपका? आरव। ए चाय लेके आ गया सीधे? हाँ जल्दी से पकड़ो। आपके लिए कहाँ है? यहाँ पर अभी रिसु के दोस्त आ रखे हैं, इन्होंने ना कागज फाड़ के यहाँ पूरे कमरे में फैला दिया। ये क्या बन रहा है? हाँ एयरप्लेन। ऐसे छुप छुप के क्या देख रहा है? अभी रात के 9:30 हो गए हैं, भैया भी ड्यूटी से घर आ गए। हेलो। सब लोग बैठ गए हैं अभी खाना खाने के लिए। खाने में है दाल, कद्दू की सब्जी और रोटी। रात के अभी 11 बज गए हैं, देखो अभी आरब भी नहीं सोया है। क्यों नहीं सोया? क्यों नहीं सोया? तो चलिए जी फिलहाल इस वाले ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय करो।